मोदी जी ने कहा हम चीन से पाकिस्तान से आंख में आंख डाल के बात करेंगे, लेकिन किसी ने आंख में, मोदी जी ने मतलब आंख में आंख डाल के भले बात की हो या ना की हो, लेकिन नेपाल जिसकी कभी एक लफ्ज भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई हो अभी तक के इतिहास में, उसने हमारे देश के नागरिक के ऊपर कल सीतामढ़ी में फायरिंग करके कई नागरिकों की हत्या कर दी। नेपाल सरकार ने मोदी को दिखाया कि मोदी जी तुम्हारे जुमले से 56 इंच का सीना नहीं बनेगा, यानी कि एक पिद्दा सा देश जो दूसरों पर निर्भर है, वो देश आज भारत को आंख दिखा रहा है। आप सोचिए कि कितनी कमजोर सरकार हमने चुनी है, ये हिंदू मुसलमान की बीमारी वाली सरकार हमने चुनी है, इनके पास कोई काबिलियत नहीं है। कल ही की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर के अंदर हिंदू मुसलमान का राइट हुआ, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, लेकिन कितने न्यूज चैनलों ने दिखाया। अरे भाई, अपने देश के नागरिकों को मरवा के कौन सी बहादुरी का तंबा हासिल कर रहे हो, देश को बर्बाद करके कौन सा तंबा हासिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी? देश की अमन शांति छीन के कौन सा बहादुरी का काम कर रहे हैं आप? मत बर्बाद करिए देश को, मत बर्बाद करिए। नहीं संभल रहा है देश, तुरंत इस्तीफा दे दो। नेपाल जैसा देश ने कभी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं की भारत को, बांग्लादेश जैसा ने कभी हिम्मत नहीं की, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, आज वही देश सब भारत को आंख दिखा रहा है। 2500 किलोमीटर जमीन आपकी सत्ता में चाइना ने कब्जा कर लिया और आप मीडिया में अफवाह उड़ाए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में अंधभक्त कुछ भी आपको समझे, क्योंकि वो अंधे हैं, अकल से पैदल हैं, आंख से अंधे हैं उनको, क्योंकि वो आपके क्या कहते हैं, वो एक नशा होता है ना, वो स्मैक, आपने उसको स्मैक पिला के उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, तो उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। कहां हमारा मुल्क जा रहा है, कहां हमारा समाज जा रहा है, हम दुनिया की नजर में कहां चले गए हैं, वो अंधभक्त, उनका काम है कोई अच्छी बात कहेगा वो उल्टी सीधी गालियां देंगे, क्योंकि इसलिए अंधभक्त हैं, क्योंकि उनको समझने की शक्ति नहीं है उनके पास। आपने उनका माइंड जो है ना, जैसे वो तालिबान बच्चों को ले जाके उनके दिमाग में नफरत पैदा करके भर देते थे और उसको यूज करते थे, वही तालिबान का हिसाब किताब एक आरएसएस संगठन है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत पैदा करने का काम आरएसएस करती है और भारतीय जनता पार्टी करती है। उससे मुल्क बर्बाद होगा। भले वो कुछ जाति संगठन के लोग हैं उसके अंदर, उनका इतिहास ही कुछ सही नहीं रहा है मानवता के खिलाफ, वो वर्चस्व के लिए किसी को रौंदने के लिए तैयार रहते हैं, वो इसीलिए वो संगठन है, वो एक जाति विशेष का संगठन है आरएसएस। उस संगठन में जाने वाले महामूर्ख लोग होते हैं, जो बाकी समाज के लोग जाते हैं वो अज्ञानी है, सदियों से हैं, और यदि नहीं संभले तो रहेंगे आगे भी ऐसा। मोदी जी गरीबों की बात किए लेकिन फायदा किसको पहुंचाने का काम किया, अमीरों को, किसी गरीब को फायदा नहीं पहुंचाने का काम किया है। समझिए, ज्यादा क्या कहूं, समझिए, देश के हर नागरिक से कह रहा हूं,
आपने गलती की है, उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। बिहार में चुनाव है विधानसभा का, अक्टूबर नवंबर के अंदर। भगाइए ऐसी सरकार को जो सरकार रोजगार ना दे सके, जो सरकार जनता को अमन शांति ना दे सके, जो सरकार जनता में तनाव पैदा करे, वैसी सरकार को भगाइए भगाइए भगाइए। ये देश की जनता और बिहार की जनता से मैं अपील कर रहा हूं, एक बार भारतीय मित्र पार्टी का आप साथ दीजिए। वादा करता हूं आपका पलायन मात्र 2 साल, 5 साल की जरूरत नहीं है, 2 साल में रोक के दिखा दूंगा। 2 साल में बिहार में इतने रोजगार हो जाएंगे उपलब्ध। एक मौका भारतीय मित्र पार्टी को आप दें। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय मां दुर्गा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।